इलेक्शन का प्रावधान था वो शुरू कर दिया गया। हम मीडिया के सर सामने देखिए, मीडिया की तरफ से ये अपील करेंगे सभी को, सभी सुपरवाइजर को कि अपने कैडर को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ चढ़ कर आए और एसोसिएशन को एक नया रूप दें। और बहुत सी हमारी डिमांडें ऐसी हैं, गौर नहीं किया, बार बार सरकार को हमने मेमोरेंडम दिए लेकिन फिर भी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, जिसमें डिफाइंड ड्यूटी है कि सुपरवाइजर की ड्यूटी जो डिफाइंड की गई है उसके ऊपर पूरा इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। पर सुपरवाइजर की सैलरी लिस्ट जो हर साल बननी चाहिए वो नहीं बनती प्रॉपर तरीके से। हर साल सुपरवाइजर के प्रमोशन के कोई रूल नहीं है, वो पैदा होता है अगर सुपरवाइजर, उसकी डेथ होती है अगर सुपरवाइजर, कौशल की बात है। मजबूत कमेटी जो है, इलेक्शन कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की जाए, डेढ़ महीने के अंदर अंदर इलेक्शन करवा के जे एंड के वर्क सुपरवाइजर एसोसिएशन की तरफ से जो है यूनियन की इलेक्शन करवाई जाएगी, जिसमें चार पोस्टें जो है अहम पोस्टें हैं उसके लिए इलेक्शन करवाई जाएगी। हम आप मीडिया के माध्यम से हम तमाम लोगों से अपील करते हैं, जितने हमारे आठ डिपार्टमेंटों के वर्क सुपरवाइजर हैं जम्मू प्रोविंस में, वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपने एक मजबूत प्रेसिडेंट को लाएँ ताकि हमारी जो जनरल डिमांड्स हैं वो पूरी हों। क्योंकि आज देखिए आप, यहाँ हमारे यहाँ पे जो वर्क सुपरवाइजर लगता है वो वर्क सुपरवाइजर रिटायर हो जाता है, SRO जो है वो ख़त्म कर दिए गए हैं और 20% वर्क सुपरवाइजर जो हैं वो बकाया रहे हैं डिपार्टमेंट में। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए एक मजबूत इलेक्शन जो है वो करवाई जाए ताकि हमारी जनरल डिमांड जो है वो सरकार के आगे रखी जाए और हमारी डिमांड का निर्माण हो, आगे बढ़े। तो इसके साथ साथ आपके माध्यम से फिर हम अपील करते हैं तमाम वर्क सुपरवाइजरों से, आके इकट्ठे हों, यूनाइट हों और इसके साथ साथ अपने प्रेसिडेंट को, जनरल सेक्रेटरी को, ट्रेजरर को, चीफ ऑर्गेनाइजर को वोट डालें ताकि आपकी एक मजबूत जो कमेटी जो है वो वर्क सुपरवाइजरों के लिए काम करें।